हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रीनल स्टोन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, रीनल स्टोन मोस्टली प्राइमली मेजर चार टाइप का होता है और माइनर बाकी होता है तीन चार और। ठीक है, तो मेजर चार होता है। ठीक है, पहला कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, दूसरा स्ट्रोवाइट होता है, तीसरा यूरिक एसिड होता है और चौथा सिस्टीन होता है। ठीक है, तो पहले तो हम इसका जो है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर देखेंगे। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या क्या है? ठीक, तो पहला तो है सुपर सेचुरेटेड यूरिन, यानी यूरिन का सेचुरेशन बढ़ गया, मतलब सोल्यूट क्वांटिटी बढ़ गया, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, ये सब बढ़ जाएगा तो जो है बोलेंगे कि सुपर सेचुरेटेड यूरिन है। ठीक, उसके बाद जो है, हाँ, दूसरा है कि स्टेसिस। स्टेसिस मतलब कि यूरिन स्टेसिस हो गया, फ्लो उसका जो है स्लो हो गया। तो फ्लो स्लो होगा तो क्या होगा, सोल्यूट जो है नीचे प्रेसिपिटेट होना ज़्यादा स्टोर जो, उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टल बन रहा है, सोल्यूट आपस में जुड़ के क्रिस्टल बन रहा है, वो जाके फिर अगर स्टेसिस होगा तो सेचुरेट हो जाएगा नीचे। चौथा रेंडल प्लेग, इसको ये चीज़ याद करेंगे, प्रीकर्सर ऑफ, ये भी रिनल स्टोन। ठीक, पहला टाइप है, इसमें पहला टाइप देखेंगे कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट मोस्ट कॉमन है। ठीक है, एसिडिक यूरिन में बनता है, रेडियो पैक, रेडियो पैक का मतलब एक्सरे में ये दिखता है। अब बोलेंगे कि हर एक स्टोन जो है दिखेगा, ऐसा नहीं है। किडनी स्टोन का 90% किडनी स्टोन जो है वो रेडियो पैक होता है, एक्सरे में दिखता है। 10% रेडियो लूसेंट होता है, वो एक्सरे में नहीं दिखता है। ठीक, तो और जीबी स्टोन में इसका अपोजिट है। जीबी स्टोन में 80% वहाँ, या 90 वहाँ, 80 80 क्या, रेडियो पैक नहीं, रेडियो लूसेंट। 80% रेडियो लूसेंट होता है, वो एक्सरे में नहीं दिखता, मतलब 20% एक्सरे में दिखता है। तो वहाँ किससे देखेंगे, अल्ट्रासाउंड में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरे में ली होता है। ठीक है, एक्सरे से देखते हैं तो रेडियो पैक है ये। ठीक, और इसका मार्जिन स्पेक्यूलेटेड, स्पेक्यूलेटेड मतलब रफ, जैसे स्टोन है तो स्पेक्यूलेटेड होगा। इसके कारण क्या होगा, ज़्यादा पेन होगा और वो इरोजन होगा यूरेटर का या किडनी का कोई पार्ट का, तो जो है पेन ज़्यादा कॉज करेगा। ठीक है, और ये दो टाइप का होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट भी माइक्रोस्कोपिकली जो है दो टाइप का होता है। ठीक है, पहला तो डम्बेल शेप्ड होगा, दूसरा एनवेलप शेप्ड। डम्बेल शेप जो है मोनोहाइड्रेट होता है, मोनोहाइड्रेट। कैल्शियम ऑक्सलेट का दो टाइप होता है, मोनोहाइड्रेट होता है और डाइहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो मोनोहाइड्रेट जो है वो डम्बेल शेप का होता है। ठीक है, और डाइहाइड्रेट जो है वो एनवेलप शेप का होता है। ठीक है, डाइहाइड्रेट एनवेलप शेप, तो याद कैसे रखेंगे, डी के बाद जो है ई आता है, तो डाइहाइड्रेट एनवेलप शेप, तो आप अपने आप जो है मोनोहाइड्रेट जो है डम्बेल शेप का होगा। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा आता है। ठीक, दूसरा आता है